स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा हम आप को जीव विज्ञान में ऊतक के विषय में बता रहे थे, आप उसको आगे की तरफ क्रमशः और आगे सुनते रहिए और चीजों को समझ में आए तो लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो बेटा हम आपको सबसे पहले तो ग्रंथिल इपिथिलियम के विषय में बता रहे थे, यही छोड़ा गया था ग्रंथिल इपिथिलियम तक जाकर के। तो ग्रंथिल इपिथिलियम शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं इसी प्रकार की उपकला से बनती होती है। किस प्रकार की? ग्रंथिल इपिथिलियम, तो जिसे आप इंग्लिश में ग्लैंडुलर इपिथिलियम बोलते हैं, ग्लैंडुलर इपिथिलियम कहा जाता है। तो ये आपका जो ग्लैंडुलर इपिथिलियम है जो आपके शरीर में बॉडी में बहुत सारी प्रकार की ग्रंथियां बन रही हैं वो इसी प्रकार के इपिथिलियल से बनती हैं। और ये जो कोशिकाएं इनकी होती हैं वो स्रावी नेचर की होती हैं और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं स्तंभ के आकार की होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां हुआ, जठर की ग्रंथि हुई, उसके बाद श्वेत ग्रंथियां अर्थात पसीने की ग्रंथि हुई, ये सब इसी ग्लैंडुलर इपिथिलियम की ही एग्जाम्पल के रूप में है। और ये एक कोश की और बहुकोश की दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इनकी ग्रंथियां एक कोश की भी हो सकती हैं, बहुकोश की हो सकती हैं, अथवा आप कह सकते हैं कि नासा मार्ग हुआ, श्वास मार्ग हुआ, आहार नाल की गुहा हुई, एक कोश की ग्रंथियों से परिपूर्ण है। यहां भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जैसे नासा मार्ग में, श्वास नाल में, आहार नाल में, तो ये सब एक कोश की ग्रंथियों से बनी हुई है। दूसरी तरफ ये ग्रंथियां आपकी सामान्यतः श्लेष्म का श्रावण करती हैं, श्लेष्मिक होती हैं, श्लेष्म उसके द्वारा बाहर एक चिपचिप का सा पदार्थ है जो बाहर निकलता है। इन कोशिकाओं को आप चषक कोशिका या ग्लोबलेट्स सेल के नाम से भी जानते हैं। और बहुकोशिकीय ग्रंथियां जो होती हैं अनेक ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर के बनी होती हैं, जो ये तो एक कोश की थी, बहुकोश की जो ग्रंथियां होती हैं कई ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। संरचना और आकार के दृष्टिकोण से यह आपकी कई प्रकार की हो जाती है, जिसमें पहला आपका होगा कूपिका युक्त ग्रंथि, जो पहली चीज होगी वो कूपिका युक्त होगी, कूपिका युक्त ग्रंथ आप रीडिंग लिखते चाहिए और मैटर को भी समझ। कूपिका युक्त कीप के आकार का, तो इसका स्रावी भाग जो होता है गोलाकार कीप के आकार का होता है और ये ग्रंथियां आपकी सरल साखित संयुक्त हो सकती हैं। और इसके साथ साथ ये सरल कूपिकी ग्रंथियां जैसे मेढक के त्वचा की श्लेष्मक ग्रंथियां, विष ग्रंथियां, ये सब आपके इसी प्रकार की ग्रंथियां हैं। और जो लार ग्रंथि है वो संयुक्त कूपिका युक्त ग्रंथि का एग्जाम्पल है। तो दूसरा है नलिकाकार ग्रंथियां, इसका दूसरा पार्ट क्या है कूपिका के बाद नलिकाकार ग्रंथि। तो नलिकाकार ग्रंथि जो होती है नली के आकार की होती है और ये सरल कुंडलित होती हैं और स्तनधारियों की श्वेत ग्रंथियां से इसी टाइप का एग्जाम्पल है। और दुग्ध ग्रंथियां भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल में आती हैं कि नली के जैसी होती हैं। अब हम संयोजी ऊतक के विषय में पढ़ेंगे, यह तो आपका जो था इस तरीके से इपिथिलियल सेल की बात चली, अब दूसरा महत्वपूर्ण ऊतक के रूप में जो बात आ रहा है वह संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक आप हेडिंग डाल लीजिए और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आपकी टिश्यू भी है और इसके द्वारा एक अंग दूसरे अंग से बंधा रखता है, यह आलंबन का काम, सहारा देने का काम, इंसुलेटिंग का काम, यही सब काम करती है। और कार्य के आधार पर इसके मैट्रिक्स के और सेल के आधार पर मैट्रिक्स कैसा है उसके आधार पर ये अलग अलग टाइप की बताई जाती है। तो चलिए थोड़ा से इसके विषय में सुनते हैं आपका संयोजी ऊतक क्या है। यह इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं शरीर में सबसे अधिक होते हैं और यह सभी
अंगों तथा अंग तंत्रों के बीच में पाया जाता है, उसको सहारा देने का काम, जोड़ने का काम करता है, और जिससे चोट धक्का से सुरक्षा मिले और उन्हें बांधे रखने का काम करना इसका प्रमुख काम है। यह आपका जो है देखेंगे कि इसमें अंगों को साधने के साथ साथ पेशियों के बीच बीच रुधिर वाहिकाओं और तंत्रिकाओं तंत्रिका आदि में भी यह तंत्रिका के चारों तरफ और उपकला ऊतक के आधारी भाग आदि स्थानों के भी चारों तरफ पाया जाता है। यह मैट्रिक्स ऊतकों में इसके मैट्रिक्स ऊतकों में पदार्थ के वितरण के द्वारा आप देखेंगे कि इसमें आपका ये संयोजी ऊतक अलग अलग मतलब तीन किस प्रकार का इसमें मैट्रिक्स है उसके आधार पर ये तीन प्रकार का हो जाता है। पहला प्रकार आप कहेंगेगा कि सामान्य संयोजी ऊतक, पहला जो हो गया सामान्य संयोजी ऊतक हो गया, दूसरा आपका जो हो गया यह कंकाल पेशी हो गया या कंकाल ऊतक हो गया, कंकाल संयोजी ऊतक, तीसरा आपका जो हो गया यह तीसरा आपका तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक के रूप में है। तो हम सामान्य संयोजी ऊतक के विषय में बात करते हैं। तो सामान्य संयोजी ऊतक जो होता है इसका मैट्रिक्स अर्ध तरल, चिपचिपा और पारदर्शी होता है और मैट्रिक्स में उपस्थित कोशिकाओं तथा तंतुओं के आधार पर यह सामान्य संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। पहला अंतराली संयोजी ऊतक, इसका पहला क्या होगा अंतराली संयोजी ऊतक होगा, यह सामान्य ढीला संयोजी ऊतक है, यह अंतरांगों के चारों तरफ झिल्ली बना करके झिल्ली के रूप में आवरण बनाए रखता है और अंगों को साधता है, पेशियों के बीच रुधिर वाहिनी या तंत्रिकाओं आदि उपकला ऊतक के आधारी भाग आदि को स्थानों पर यह पाया जाता है। यह इसके मैट्रिक्स ऊतक के पदार्थों के विसरण और अमीबी कोशिकाओं के विस्थापन आदि को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इस तरीके से यह आपका इसमें कैसे रेशे हैं उसके आधार पर यह दो प्रकार का हो जाता है। नंबर एक श्वेत कोलेजन रेशे, इसका पहला हो जाएगा श्वेत कोलेजन रेशे और अगला होगा पीला कोलेजन इलास्टिन तंत्र। तो श्वेत कोलेजन रेशे में आप पढ़ेंगे कि यह श्वेत कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं और ये रंगहीन, शाखाहीन, लोचहीन इस टाइप के होते हैं, चमकदार इसके तंतु दिखाई देते रहते हैं और ये लहरदार समूहों में लगे रहते हैं। दूसरी चीज जो पीला इलास्टिन रेशा है ये शाखित होता है और लोचदार होता है, पीले रंग के तंतुओं का बना होता है, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें ये अलग अलग बिखरे पाए जाते हैं पूरे मैट्रिक्स में और आपस में मिलकर के जाल बनाते हैं। और अंतराली संयोजी ऊतक के अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अंतराली संयोजी ऊतक होती हैं इनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो इसमें पहला है फाइब्रोब्लास्ट, पहली कोशिका क्या है फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल के विषय में आप सुनिए क्या होता है। ये फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिका होती है चपटी और असीमित होती है, ये मैट्रिक्स तथा तंतुओं का निर्माण करती है। दूसरा इसका होगा माइक्रोफेजस कोशिकाएं, तो माइक्रोफेजस जो संख्या में काफी बड़ी अधिक और बड़ी संख्या में अमीबी होती हैं, चल फिर सकती हैं और ये जीवाणुओं आज का भक्षण करती हैं और इस तरीके से हमारे सभी शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रही है। तीसरा आपका मास्ट सेल होता है, फाइब्रोजन के बाद आपका माइक्रोफेजस हो गया, तो माइक्रोफेज के बाद आपका मास्ट सेल आएगी। ये काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी में पूछा जाने वाला प्रश्न कि मास्ट सेल क्या होता है। ये अंडाकार गोलाकार संरचना वाली होती है और ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक जैसे पदार्थ का श्रावण करती है, जो कि आपका रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से क्या करता है रोकने का काम करता है और इस तरीके से शरीर में यह एलर्जी
प्रक्रियाओं में भाग लेने का काम करती है, एलर्जी करती है जिससे प्रतिदाह उत्पन्न होता है। और अगला है लसिका कोशिका, अगला आपका क्या है लसिका कोशिका। तो लसिका कोशिका कहने का अर्थ होता है बेटा कि श्वेत रुधिर जो कड़कियाओं की तरह ये भी होती हैं और ये निरंतर भ्रमण करती रहती हैं, ये आपका प्रतिरक्षियों का उत्पादन करने का काम करती हैं जिससे प्रतिरक्षी का निर्माण हो। और अगला है आपका वर्णक संयोजी ऊतक, वर्णक संयोजी ऊतक। तो इस वर्णक संयोजी ऊतक में आप पाएंगे कि यह जो ऊतक होता है त्वचा की दर्मी नेत्र की आइरिस तथा कोराइड्स में मिलता है और यह अंतराली ऊतक के समान होता है। इसके मैट्रिक्स में ढेर सारे शाखा प्रवर्धित तो वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे आप क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं, ये अनेक रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं जिसे आप मिलेनियम भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा रंग प्रोवाइड होता है। आप कह लीजिए किसी भी व्यक्ति के गोरेपन और सादेपन के लिए इसको निर्धारित किया जाता है। बाकी अगले वीडियो में हम बसा मल ऊतक के विषय में आपको बताएंगे या इसके अन्य भाग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।